नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल। एक्साइज विभाग की ने पुलिस के साथ रेड मारी। भिवानी के L13 और L1 पर रेड मारी गई। एक साथ पांचों L1 और L13 पर रेड लगाई गई। वहीं DSP वीरेंद्र सिंह व एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने एक साथ छापा मारा। ऑनलाइन के साथ साथ शराब के स्टॉक की जांच में जुटे हैं अधिकारी। लॉकडाउन के दौरान कितने शराब एक्साइज ड्यूटी के बाहर गई, हर प्रकार के स्टॉक की जांच की जा रही है। पलपल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। DSP वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि शराब के गोदामों में जाकर के चेक की जा रही है कि लॉकडाउन के समय में उनके पास कितनी संख्या में और उनके पास कितना स्टॉक था और इस समय उनके पास स्टॉक कितना है। इसके अलावा जो नया स्टॉक आया है उसकी भी जाँच चल रही है। इसके अलावा ऑनलाइन डिटेल भी मंगाई गई है ताकि गोदामों में ऑनलाइन रिकॉर्ड को चेक किया जा सके। इसके साथ साथ इन सभी का मिलान भी किया जाएगा। बाद में देखा जाएगा कि उनका माल यहां पड़ा है या नहीं। ये जांच भी की जाएगी कि इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी भरी गई है या नहीं। उन्होंने बताया कि ये इस प्रकार की चेकिंग पूरे हरियाणा में की जा रही है। लॉकडाउन से पहले का माल यहां रखा हुआ था और अगर जो माल नया आया है वो कहां रखा हुआ था, इसके बारे में भी जाँच की जा रही है। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। L1, L13 हैं, उनके सारे स्टॉक को वेरीफाई किया जा रहा है। लॉकडाउन के समय उनके पास कितना स्टॉक था, आज के टाइम उनके पास कितना स्टॉक है, क्या उन्होंने स्टॉक में कोई गड़बड़ी तो नहीं की, और नया स्टॉक कितना आ चुका है, कितना यहाँ से जा चुका है, उन सभी का डाटा पहले हमने ऑनलाइन प्राप्त किया है और यहाँ भी आके इनका ऑनलाइन सारा डाटा प्राप्त करके और सारी फिजिकल चेकिंग की जा रही है और स्टॉक का मिलान करवाया जा रहा है। ये चेक करने के लिए कहीं एक्साइज ड्यूटी की चोरी तो नहीं की जा रही। जो माल पहले पड़ा हुआ था वो माल यहाँ रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, क्या इन्होंने उसकी एक्साइज ड्यूटी भरी है या नहीं भरी, इस संबंध में दोनों विभागों द्वारा ये संयुक्त चेकिंग की जा रही है। देखिए, ये सारे हरियाणा में ही चेकिंग की जा रही है, स्पेशल भिवानी के लिए ही नहीं है, सारे जिलों में ये चेकिंग की जा रही है कि भाई जो भी स्टॉक लॉकडाउन से पहले का था इन गोडाउंस में रखा हुआ था, क्या वो है या नहीं है, इस संबंध में ये वेरीफाई किया जा रहा है। देखिए, एक बार इनकी फिजिकल चेकिंग हो चुकी है, उस समय जो स्टॉक में कोई भी जो है ना कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी, लेकिन अब मैं दोबारा इनकी फिजिकल चेकिंग कर रहा हूँ स्टॉक की, तो जैसे भी चेकिंग करने के उपरांत होगी वो रिपोर्ट दी। सर, लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब भी पकड़ी है। शराब के मामले में जो ठेके थे, ठेकों पर जो शराब गई थी वो एक्साइज ड्यूटी पेड थी, और जितनी भी शराब ठेकों से बाहर निकली वो एक्साइज पेड ड्यूटी थी। ये अब ये चेक किया जा रहा है कि यहाँ जो L1 में और L13 में जो शराब रखी हुई थी स्टॉक में, क्या उसमें कोई गड़बड़ी की गई है या नहीं की गई, क्योंकि वो ठेके की जो शराब ठेकों पर जा चुकी थी वो सारी की सारी एक्साइज पेड थी। नहीं, ये तो हम सारा स्टॉक चेक करेंगे, अगर डब्बे भी रखे हैं, एक एक चीज़ की वेरीफाई करेंगे कि भाई कितना इनके पास स्टॉक था, कितनी की बोतल्स। नहीं, कहीं ना कहीं जो गलती करता है, जो बदमाशी करता है, तो वो कहीं चूक तो करता ही है। ऑनलाइन अभी ऑनलाइन इसके पासेस कटते हैं और उस दौरान जो परमिट कटे हैं उनसे इनका मिलान हो जाएगा। ऑनलाइन जो स्टॉक था तो उसका परमिट भी कटेगा, और परमिट अगर कटा है तो वो किस तारीख को कटा है, क्या वो ठेके खुलने के बाद कटा है या पहले कटा है, तो उसका पैरेलल मिलान हो जाएगा। देखिए, मैं फिजिकल चेकिंग कर रहा हूँ, स्टॉक है, इसको गिनने में टाइम तो लगेगा, उसके उपरांत ही जो है ना अपनी रिपोर्ट सबमिट कर पाऊंगा। सही।
बात तो है।